ऑडियो जंगल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग वातरक्त व्याधि के बारे में चर्चा करेंगे। इस व्याधि को आधुनिक चिकित्सा में गाउट रोग से जो क्या समानता है देखी जाती है, ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग इसकी व्युत्पत्ति के बारे में जानेंगे, इसकी जो व्युत्पत्ति है या कह सकते हैं उत्पत्ति है वो क्या है, उसके बाद परिभाषा के पर्याय किन किन नामों से ये जाना जाता है, प्रमुख संदर्भ ग्रंथ मतलब कि ये किन किन ग्रंथों में या किन किन संहिताओं में इसका उल्लेख किया गया है, इसके निदान, फिर इसके भेद, फिर संप्राप्ति, फिर वातरक्त का स्थान कहाँ कहाँ पर होता है, फिर उसके लक्षण क्या हैं, भेदानुसार लक्षण भी हम लोग इसमें देखेंगे, साध्यता असाध्यता और उसका कारण भी जानेंगे, इसके उपद्रव और फिर अंत में इसकी संपूर्ण चिकित्सा, भेदानुसार चिकित्सा, चिकित्सा सूत्र और लक्षण चिकित्सा जो होती है उसके बारे में भी विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके थ्रू मिल जाएंगे। आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस व्याधि के परिचय के बारे में, ठीक है। तो इस रोग में मुख्यतः वात दोष व रक्त दोष की दुष्टि होती है, मतलब कि दूषित वात और रक्त के द्वारा जो उत्पन्न होता है उसे वातरक्त कहते हैं। जो वात है वो विभिन्न अवस्थाओं में प्राप्त होता है, ठीक है, मतलब कि विभिन्न प्रकार से जो दूषित होता है और वो दूषित होकर रक्त को भी दूषित कर देता है और उसके कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे वातरक्त कहते हैं। इसमें मुख्यतः छोटी संधियों में शोथ, शूल एवं विवर्णता उत्पन्न होती है, डिस्कलरेशन, विवर्णता को डिस्कलरेशन कहते हैं, शोथ को इडिमा या सूजन कहते हैं और शूल को पेन कहते हैं। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में स्वतंत्र अध्याय के रूप में इसका वर्णन किया है तथा आचार्य सुश्रुत ने वात व्याधि प्रकरण में ही इसका वर्णन किया है। तो इसका क्या तात्पर्य है कि आचार्य सुश्रुत ने वात व्याधि में ही प्रकरण किया है और आचार्य चरक ने इसका जो है इसका स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किया है, क्योंकि ये व्याधि वात दोष के कुपित होने के कारण होती है, इसीलिए आचार्य सुश्रुत ने वात व्याधि प्रकरण में ही इसका वर्णन किया है। किंतु जो आचार्य चरक हैं इसे जो मतलब कि कह सकते हैं कि वात रोग के दूषित होने के बाद भी ये उत्पन्न होती है ये माना है, लेकिन इसके जो निदान है और जो दोष दूष्य को सूचित करने के जो विशेष हैं तथा हाथ पैर में ये प्रथम उत्पन्न होता है और क्या इससे इसकी जो चिकित्सा है वो अन्य वात व्याधियों की चिकित्सा से भिन्नता रखती है, इसी के कारण जो है इसको अलग पढ़ा है। लेकिन उन्होंने वात व्याधि के जस्ट बाद मतलब कि चैप्टर नंबर 29 में ही इसका वर्णन किया है, चिकित्सा सिद्धांत चैप्टर 29 वात शोण चिकित्सितम के नाम से इसका वर्णन किया है, ठीक, और उससे जस्ट पहले चैप्टर नंबर 28 में उन्होंने वात व्याधि चिकित्सा का वर्णन किया है, ठीक है। मतलब कि ये कि जस्ट उसके बाद पढ़ने का लिखने का यही कारण है कि ये वात व्याधि के अंतर्गत तो आता है लेकिन निदान और दोष दूष्य हाथ पैर में जो प्रथम जो उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और इसकी चिकित्सा आदि अलग होने के कारण इसको अलग अध्याय में वर्णित किया गया है। अगर आधुनिक चिकित्सा में देखे जाए तो लक्षण और निदान संप्राप्ति की दृष्टि से वातरक्त की तुलना आधुनिक चिकित्सा में गाउट नामक रोग से की जाती है, गाउट नामक रोग से इसकी तुलना की जाती है। तो ये हो गया परिचय के बारे में। फिर देखते हैं इसकी निरुक्ति या व्युत्पत्ति के बारे में। तो आचार्यों ने श्लोक दिया है कि वातस्य आवरणेन बलमत्स्य अस्मिन् शोणित इति वात बलासा, ठीक है, मतलब वात के आवृत हो जाने से रक्त अधिक दूषित होकर इस रोग को उत्पन्न करता है, अतः इसे वात बलास भी कहते हैं। मतलब कि वातस्य आवरणेन मतलब कि वात के आवृत हो जाने से बलमत्स्य अस्मिन् शोणित इति वात बलासा। फिर इसके बाद देखते हैं प्रमुख संदर्भ ग्रंथ मतलब कि इस अध्याय का वर्णन किन किन संहिताओं में हुआ है। तो सबसे पहले चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 28 में इसका वर्णन हुआ है, जिस अध्याय का नाम है वात शोणित चिकित्सितम। शुश्रुत संहिता निदान स्थान अध्याय 1 में,
सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 5 में इसका वर्णन किया है जो वात व्याधि के अंतर्गत आते हैं। तो वात व्याधि और सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में जो चरक संहिता में जो इसको एक स्वतंत्र अध्याय के रूप में वर्णित किया गया है और सुश्रुत संहिता ने वात व्याधि के अंतर्गत इसको वर्णन किया है, ये हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। अष्टांग हृदय में निदान स्थान अध्याय 15 में इसका वर्णन है। फिर उसके बाद अष्टांग हृदय में ही चिकित्सा स्थान अध्याय 22 में इसका वर्णन है। माधव निदान ने अध्याय 23 में इसका वर्णन है। चक्रदत्त में अध्याय 23 में इसका वर्णन है। भाव प्रकाश में अध्याय 29 में इसका वर्णन है। और भैषज रत्नावली में वात रक्त चिकित्सा प्रकरण के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया। फिर इसके बाद देखते हैं ये जो है ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर यूजी लेवल पर देखा जाए तो आप लोग आचार्य चरक और सुश्रुत का याद कर सकते हैं। और वाइवा में कई बार ये पूछा जाता है कि चरक संहिता में इसका स्वतंत्र अध्याय के रूप में क्यों इसको वर्णन किया गया है, तो ये भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं इस व्याधि के पर्याय के बारे में, मतलब इस व्याधि को और किन किन नामों से संहिताओं में वर्णन किया गया है। तो जो सबसे पहला नाम है वो है वात शोणित, तो चरक में ही इसका वर्णन किया गया है वात शोणित चिकित्सितम अध्याय के नाम से। फिर खुड रोग, वात बलास और आढ़्यवात, ये आढ़्यवात लिखा हुआ है, सॉरी ये ऐसे लिखा जाएगा। ये आढ़्यवात इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो आचार्य चरक ने इन चार नामों का वर्णन किया है। अष्टांग संग्रहकार ने भी, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, अष्टांग संग्रहकार में भी इन्हीं नामों का जो वर्णन है वो मिलता। वात आश्रक, मेदस आवृत वात, ये जो रोग है, जो वात रोग है वो वात आश्रक, मेदस आवृत वात आदि नामों से अन्य संहिताओं में इसका वर्णन किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि जो पीजी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों से पूछ लिया जाता है कि कौन सा पर्याय किस आचार्य ने माना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं निदान, मतलब कि कारण, ठीक है, किन कारणों से जो वात रोग है ये उत्पन्न होता है, ठीक। तो श्लोक है, हम लोग देखते हैं कि लवण अम्ल कटु क्षार स्निग्ध उष्ण जीर्ण भोजन है, ठीक है, क्लिन्न शुष्क अम्बुज अनूप मांस पिंडयाक मूलक है, कुलथ मांस निष्पाव शाकादि पललेक्षुभि दध्य अरनाल सौवीर शुक्त तक सुरासवे, क्रोध दीवा स्वप्न प्रजागरे प्राय सुकुमाराणाम मिष्टान सुख भोजिनाम अचंग क्रमण शीलानाम कुप्यते वात शोणितम अभिघात दशुद्धया चा प्रदुष्टे शोणिते नृणाम हयोष्ट यान यान अम्बु क्रीड़ा प्लवन लंघने, ठीक है। तो ये जो कारण है वात रोग के, ये चरक चिकित्सा स्थान चरक ने वर्णन किया है निदान का। तो ये श्लोक है, ठीक है, इसकी हिंदी देखते हैं क्या है कि लवण अम्ल कटु क्षार स्निग्ध उष्ण और अजीर्ण होने पर भी भोजन करने से, ठीक है। फिर क्लिन्न शुष्क अम्बुज अनूप मांस पिंडयाक मूलक है, क्लिन्न मतलब सड़ा हुआ सूखा जालीय मछली आदि का मांस, अनूप मांस, ठीक है, खली मूली कुलथ उड़द सेम आदि का शाक मांस, ईख दही कांजी सौवीर सिरका मट्ठा सुरा आसव विरुद्ध भोजन अध्यशयन, मतलब भोजन के ऊपर भोजन करना, ठीक है, एक भोजन मतलब जीर्ण ना हुआ उसके, तो जीर्ण ना हुआ है फिर भी भोजन कर लिया, ठीक। क्रोध दिन में शयन रात्रि जागरण, इन सब कारणों से जो सुकुमार व्यक्ति हैं तथा जो मधुर आहार के सुख का अनुभव करने वाले हैं और वे कभी भी व्यायाम अर्थात घूमते फिरते नहीं, ऐसे व्यक्तियों को प्रायः वात और रक्त एक साथ कुपित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मीनिंग, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाता है
तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और इस श्लोक में भी प्रायः प्राय सुकुमार नाम, ठीक है, मना कर दे रहा हूँ, प्राय सुकुमारा नाम से लेकर के और यहाँ तक की लाइन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसका, इस लाइन का वर्णन जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने भी किया हुआ है। तो उन्होंने किस प्रकार से किया हुआ देखते हैं, उन्होंने भी इसी लाइन में कि प्राय सुकुमार प्रकृति वाले मिथ्या आहार और विहार करने वाले पुरुषों में तथा शोक से एवं स्त्री संभोग मद्यपान और व्यायाम के अधिक सेवन से ऋतु के विपरीत तथा सात्विक के विपरीत आहार विहार करने से स्नेह आदिकों के अनुचित प्रयोग करने से व्यावाय मतलब स्त्री भोग न करने वाले तथा स्थूल मनुष्य में वात्र का प्रकोप होता है, मतलब कि ये जो सुकुमार प्रकृति वाले हैं इसके बारे इसका वर्णन भी, ये जो लाइन है इसका वर्णन भी आचार्य सुश्रुत ने किया, इसी वजह से ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। अगर मान लीजिए आपको ये श्लोक याद नहीं है और आपको फिर भी लिखना है तो किस प्रकार से पॉइंट्स में लिखा जाता है मैं आपको बताता हूँ। तो जो निदान है वो तीन प्रकार से आप लिख सकते हैं, तीन पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले आहार संबंधी निदान, ठीक है, जिसमें जो भोज्य पदार्थ हैं उनके बारे में, विहार संबंधी निदान और उसके बाद प्रकृति संबंधी निदान, ठीक है। तो ये तीन प्रकार से निदान आप लिख सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं आहार संबंधी निदान के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं आहार संबंधी निदान, तो पहले ये लिखेंगे, फिर इसके अंतर्गत जो खाने पीने से जो कारण है, खाने पीने वाले जो कारण है उनके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले किन किन रसों का सेवन करने से होता है, तो कटु, अम्ल, लवण, क्षार, स्निग्ध और उष्ण पदार्थों के अति सेवन से, ठीक। फिर उसके बाद क्लिन्न शुष्क, क्लिन्न मतलब कि सड़ा हुआ, शुष्क अनूप मांस का सेवन, ठीक। फिर पिंडयाग, मूली, कुल्थी मतलब कुलत, फिर मांस सेम आदि का अति सेवन हो गया, फिर मांस हो गया, ईंक, दही, कांजी, सौवीर, सिरका, तक्र, सुरा, आसव आदि का अति सेवन, विरुद्ध भोजन, अध्यशयन, अजीर्णाशन करना या मिथ्या आहार का सेवन, विरुद्ध आहार का सेवन या मिष्ठान का अत्यधिक सेवन, ये सब कारण जो है वो आहार संबंधी निदान के अंतर्गत आते हैं। जो विहार संबंधी निदान है इसमें आचार्य सुश्रुत ने भी वर्णन किया है विहार संबंधी निदानों में, तो उन्होंने बताया है, तो जो दोनों आचार्य हैं उनके जो सामान्य निदान है, जो सामान्य कारण है उसको कंपाइल करके मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहले अत्यधिक क्रोध, दीवाशयन मतलब दिन में सोना, रात्रि जागरण, ठीक है, अनशन, ऊँट व घोड़े की अधिक सवारी, चोट लगना, जल में क्रीड़ा करना, तैरना कूदना, ग्रीष्म ऋतु में अधिक विषम रास्ता चलना, अधिक मैथुन करना, मलमूत्र आदि का वेग धारण करना या फिर पंचकर्म नहीं करना या पंचकर्म में मिथ्या जो होते हैं मिथ्या कर्म हो जाना, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो विहार संबंधी निदान के अंतर्गत आती हैं, आप लोग याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं प्रकृति संबंधी निदान, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत ही ज़्यादा अगर आप निदान लिखते हैं और अगर आप ये वाली लाइन लिख देते हैं वो श्लोक के साथ सुकुमारा नाम जो मैंने अभी आपको लाइन अंडरलाइन कराई थी उस श्लोक के साथ अगर आप ये लिख देते हैं तो निश्चय ही आपको जो नंबर है वो प्लस में मिलते हैं। तो क्या है कि सुकुमार स्थूल सुखी तथा मिथ्या आहार विहार सेवी होना, जो व्यक्ति इन इन सभी बात सेवी होना और अव्यायामी होना, अव्यायामी मतलब कि जो व्यक्ति व्यायाम ना करता हो, तो ये सब जो कारण है इन कारणों से भी जो वात रोग है वो होने का संभावना बन जाती है, ठीक है। अच्छा, कुछ निदान प्रायः धनी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, अतः वातरक्त को आढ़्यवात भी कहा जाता है। आढ़्य का मतलब होता है जो फाइनेंशियली स्टेबल हो या फाइनेंशियल जिसकी कंडीशन अच्छी हो, इसी वजह से इसे आढ़्यवात भी कहा जाता है। तो आई होप आपको निदान समझ में आए होंगे। फिर इसके बाद देखते हैं भेद के आधार पर उन्होंने उत्तान वातरक्त, गंभीर वातरक्त जिसे अवगाढ़ वातरक्त कहा जाता है और उभय आश्रित वातरक्त माना है। और फिर उसके बाद दोषों के आधार पर अगर देखा जाए तो इन्होंने वातज वातरक्त, पित्तज वातरक्त, रक्तज वातरक्त, कफज वातरक्त,
फिर द्वंद्ज वातरक जिसमें वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ, और सन्निपातज वातरक जिसमें वात पित्त कफ तीनों दोष कुपित होते हैं। ठीक, तो इनका वर्णन किया है। ठीक है, ये गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दोष के आधार पर नहीं भी पता है, वैसे तो ईजी है, याद हो जाएगा, अगर नहीं भी पता है आश्रय के आधार पर जो भेद हैं इसको जरूर आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा वाइवा में भी पूछे जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं, तो संप्राप्ति में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामान्य संप्राप्ति। तो ये जो सामान्य संप्राप्ति का जो श्लोक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा तो आपको ये वाला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने लिख दिया तो निश्चय ही आपको जो नंबर हैं वो बढ़ कर के ही मिलेंगे। तो ये श्लोक क्या है देखते हैं कि वायुर्विवृद्धो वृद्धेन रक्तेन आवारितः पथि कुत्सृदनम संदूषयेत रक्तम तज्ञेयम वात शोणितम। मतलब कि पूर्वोक्त वर्णित निदानों के सेवन से वात एवं रक्त एक साथ प्रकोपित होते हैं और दूषित होते हैं। तो जो रक्त है वो किस प्रकार से दूषित होता है, जैसे चोट लग गई या फिर शरीर में वमन विरेचन आदि द्वारा शुद्धि ना करने से मनुष्य के शरीर में रक्त दूषित हो गया, इस कारण से भी जो रक्त है वो दूषित हो गया, तो वही उसी प्रकार से रक्त दूषित होता है। और वात किस प्रकार से दूषित होता है, वात के जो निदान है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पूर्वोक्त वर्णित निदानों के सेवन से वात एवं रक्त एक साथ प्रकोपित होते हैं। तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं जो निदान है इसके, जैसे पंचक्रम में किसी कर्म के सही ढंग से न होने के कारण जो रक्त दूषित हो गया, ठीक है, और जल में क्रीड़ा ऊँट पे चलना, इन कारणों से वात दूषित हो गया। ठीक है, इसी प्रकार तो बढ़े हुए जो दूषित रक्त है, ठीक है, बढ़ा हुआ जो दूषित रक्त है उसके द्वारा जो वात का जो मार्ग है, वायु का मार्ग है, वो अवरुद्ध हो जाता है। और जो वात दूषित भी है और उसका मार्ग भी अवरुद्ध हो गया, तो वो क्या करती है, पुनः संपूर्ण रक्त को दूषित कर देती है। और फिर यह जो दुष्ट रक्त है ये खिसक कर नीचे पैरों में इकट्ठा हो जाता है और वात के साथ मिलकर वात रक्त रोग को उत्पन्न करता है। तो ये हो गई सामान्य संप्राप्ति। बहुत ही ज़्यादा ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और जो अर्थ है उसका यही है कि निदानों के सेवन से जो दूषित रक्त है वो वात के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है और रुकी हुई वायु पुनः जो संपूर्ण रक्त है उसको दूषित कर देती है और रक्त खिसक कर पैरों में इकट्ठा हो जाता है और दोनों दोष एक साथ मिलकर वात रोग को उत्पन्न करते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं, आचार्य सुश्रुत ने इसी में थोड़ा आगे जोड़ करके कहा है कि जैसे मान लीजिए इसमें वात दूषित हो रहा है, कई बार ऐसा होता है कि दो दोष दूषित होते हैं, और अगर वो दोनों दोष जैसे वात या पित्त, तो पित्त वात जो है उसके द्वारा दूषित रक्त मिल करके जो रोग उत्पन्न करता है वो भी वात रक्त होता है, अगर कफ वात द्वारा दूषित रक्त के साथ संयुक्त होकर भी वात रक्त की ही उत्पत्ति जो रोग उत्पन्न होता है वो भी वात रक्त ही कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं विशिष्ट संप्राप्ति, मतलब विशेष संप्राप्ति। तो श्लोक है, देख सकते हैं कि सौक्षम्यात सर्व सरत्वाच्च पवनस्य सृजसस्तथा तद्द्रवत्वात् सरत्वाच देहं गच्छनम् सिरायने पर्व स्वभिहितं क्षुब्धं वक्रत्वादवतिष्ठते स्थितं पित्त आदि संसृष्टं तास्ता सृजति द्वेदनः करोति दुःखं तेष्वेव तस्मात् प्रायेण संधिषु भवन्ति वेदनास्तास्ता अत्यर्थम दुसह नरणाम। तो ये क्या कहता है, इसकी मीनिंग देते हैं कि जो वायु है वह सूक्ष्म व संपूर्ण संधियों या मार्गों में फैलने वाला होता है तथा रक्त द्रव एवं संपूर्ण स्रोतों में फैलने वाला होता है। तो इन्होंने वात के बारे में बताया और रक्त के बारे में बताया, इन दोनों गुणों के कारण जो कुपित हुआ वात है वह रक्त सिरा मार्गों में संपूर्ण शरीर में सिरा मार्गों से संपूर्ण शरीर में गमन करते हैं। ये दोनों जो दोष और दुष्य हैं ये संपूर्ण शरीर में गमन करते हैं। गमन करते हुए संधियों के
टेढ़े होने से वहां वात रक्त की गति में आघात होता है और वह क्षुब्ध होकर वहीं रुक जाते हैं। ठीक, मतलब कि कुपित हुए वात और जो रक्त है ये शिरामार्ग में गमन कर रहे हैं और जो संधियां हैं उनके टेढ़े होने के कारण जो इनकी जो गति है उसमें वहाँ रुकावट होती है, आघात होता है और ये क्षुब्ध होकर मतलब जो इनकी गति है इनकी जो कम होने के कारण वहीं रुक जाते हैं। पित्त आदि दोषों से युक्त होकर उन संधियों में रुके हुए वात एवं रक्त भिन्न भिन्न प्रकार से वेदनाओं को उत्पन्न करते हैं और वहाँ दुख को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार संधि प्रदेश में रुके हुए दूषित वात एवं रक्त मनुष्य के शरीर में अत्यंत कष्टप्रद एवं विकृत दोष अनुसार विभिन्न वेदनाओं को उत्पन्न करते हैं और इस अवस्था को ही वात रक्त नामक रोग कहते हैं। एग्जाम में कई बार विशिष्ट संप्राप्ति 5 नंबर में आ जाती है लिखने के लिए, तो अगर आपको ये श्लोक नहीं याद हो रहा है तो ये थ्योरी जरूर याद कर लीजिए, मीनिंग जो है जो श्लोक का मीनिंग है वो जरूर याद कर लीजिए। तो सबसे पहले इसमें दोष वात और रक्त इन दोनों के गुणों के बारे में बताया गया है, फिर उनका जो शरीर में गमन करना है उसके बारे में बताया गया और वे संधियों में ही क्यों होता है इसके बारे में बताया गया है। तो जो वात का जो गुण है वो संपूर्ण संधियों या मार्गों में फैलने वाले का है, रक्त का है कि वो संपूर्ण स्रोतों में फैलता है, दोनों जब कुपित हो जाते हैं तो शिरामार्गों में संपूर्ण शरीर में गमन करते हैं। अब संधियों के टेढ़े होने के कारण इनके जो गमन की गति है उसमें आघात होता है और क्षुब्ध होकर ये वहीं रुक जाते हैं। ठीक, संधियों में रुक जाने के कारण वहाँ से कि संधियों में जो दोष और वहाँ के जो दोष और दूसरे हैं उनसे मिल करके वहाँ उनको दूषित करके विभिन्न प्रकार की वेदनाओं और कष्ट को उत्पन्न करते हैं और इस अवस्था को ही वात रक्त रोग कहते हैं। संधियों में ही क्यों रुकते हैं, तो संधियाँ क्योंकि टेढ़ी होती हैं और टेढ़े स्थान में सीधी गति नहीं हो सकती है, इसीलिए कुछ समय के लिए वहाँ अवश्य दोषों या दूषियों को रुकना पड़ता है और इसी प्रकार दोष आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्येक दौरे में कुछ न कुछ दोष हैं वो उन संधियों में एकत्र हो जाते हैं जिससे संधियाँ शोथयुक्त तथा अन्य रोग लक्षणों से युक्त हो जाती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद देखते हैं वात रक्त का स्थान। तो श्लोक है कि तस्य स्थानम करो पादव अंगुल्य सर्वसंधया कृत्वा आदव हस्तपादय तू मूलम देहे विधावती। मतलब कि वात रोग हाथ पैर अंगुलियों और सभी संधियों में स्थान बनाता है। सबसे पहले वात रक्त हाथ पैर में अपना मूल स्थान बनाकर फिर बाद में मतलब पश्चात संपूर्ण शरीर में फैलता है। यह विशेषकर हस्तपाद और अंगुली व संधियों में स्थान बनाता है। आचार्य सुश्रुत ने इसमें उपमा भी दी है कि वातरक्त हस्तपाद में आश्रय प्राप्त करके चूहे के विष के समान संपूर्ण शरीर में फैलता है। तो यहीं इस पे जो है ना, अगर आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार देखा जाए तो इसे गाउट कहते हैं। तो जो गाउट के जो लक्षण हैं वो भी इसी प्रकार से हैं कि उसमें भी जो संधियाँ हैं उसमें भी विवर्णता आदि जो लक्षण हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो इसी कारण से जो इसके स्थान है और जो गाउट व्याधि में जो उसके स्थान है इन दोनों में समानता होने के कारण इसको गाउट से जो कह सकते हैं समानता बताई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं संप्राप्ति चक्र। अगर ये संप्राप्ति चक्र का जो टेबल है ये आप बना देते हैं या ये टेबल आप याद कर लेते हैं तो इसके आधार पर भी आप जो संप्राप्ति है वो लिख सकते हैं। वैसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये इजी वे है संप्राप्ति को याद करने का, तो आप चाहें इसे भी याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है कि वात व रक्त प्रकोपक आहार विहार सेवन। फिर उसके बाद जो श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था प्राय सुकुमाराणाम, ठीक है, तो सुकुमारता स्थूलता आलस्यता व अचंक्रमणशील होना। ठीक, मतलब कि जो व्यक्ति व्यायाम आदि चीज़ें नहीं करते हैं उससे क्या होती है, उसमें अन्न की में विदग्धता होती है, जो आम जो भोजन है उसका पाचन नहीं हो पाता है, उसके कारण क्या होती है, रक्त में दुष्टि होती है और जो दूषित रक्त है वो पाद मूल में उसका संचय हो जाता है। इसी के साथ ही स्व कारणों से प्रकुपित वात जो वात है वो भी दूषित हुआ, वो जाकर के संपूर्ण रक्त की दुष्टि कर देता है। तो इस प्रकार से वात और रक्त दोनों कुपित हो गए। तो प्रकुपित वात एवं रक्त का सर्व शरीर में प्रसरण होता है। अगर ये वात रक्त
त्वचा या मांस में आश्रय करते हैं तो इसे उत्तान वातरक्त कहते हैं, और ये अगर संधि में आश्रय करते हैं तो इसे गंभीर वातरक्त कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तान और गंभीर वातरक्त में जो डिफरेंस है वो पता चलता है कि गंभीर वातरक्त में जो दोष और दुष्य हैं ये संधि में आश्रय करते हैं, और उत्तान वातरक्त में त्वचा और मांस में आश्रय करते हैं। और जो आश्रय के आधार पे हमने तीसरा भेद पढ़ा था वह आशित वातरक्त, तो इसमें इन दोनों के जो सामान्य हैं त्वचा मांस और संधि तीनों में ही जो दोष और दुष्य वो आश्रित होते हैं। तो ये हो गई संप्राप्ति चक्र। संप्राप्ति घटक देख लेते हैं। संप्राप्ति घटक में दोष कौन से हैं? वात और रक्त। रक्त को आचार्य सुश्रुत ने दोष भी माना है कुछ स्थानों कुछ जगह पे। फिर दुष्य क्या है? रक्त हैं, त्वचा है और मांस। स्रोतस रक्तवा स्रोतस, अधिष्ठान संधि त्वचा मांस और रक्तवा रस सॉरी और रसवा स्रोतस। स्रोतोदृष्टि लक्षण संग के पश्चात विमार्ग गमन। स्वभाव कैसा होता है? चिरकारी होता है। तो आई होप आपको संप्राप्ति चक्र और संप्राप्ति घटक याद हो गए होंगे। संप्राप्ति घटक भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो ये भी आप याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं वात रक्त के पूर्व रूप। तो मैं यहाँ पे पहले श्लोक रिसाइट कर देता हूँ कि स्वेदो अत्यर्थम न व कार्ष्ण्यम स्पर्श आगत्यम क्षते अतिरुका संधि शैथिल्यम आलस्यम सदकम पिटक उद्गम जानु जंघोरुक्टयम हस्तपाद अंगसंधिषु निस्तोद स्फूर्णम भेदो गुरुत्वम सुप्तिर एवच कंडु संधिषु ऋग्भुत्वा भुत्वा नश्यति च अस्रका वैवर्ण्यम मंडल उत्पत्ति वात अस्रक पूर्व लक्षणम। मतलब कि स्वेदो अत्यर्थम मतलब स्वेदा अधिक मतलब स्वेद का अधिक निकलना, फिर कृष्णता मतलब शरीर का कालापन होना, स्पर्श आगत्वम मतलब शून्यता स्पर्श का ज्ञान ना होना, फिर उसके बाद क्षते अतिरुका मतलब चोट लगने पर वेदना की अधिक अनुभूति, संधि शैथिल्यम मतलब संधियों की शिथिलता, आलस्यम आलस्य होना, सदनम मतलब शरीर में अवसाद, पीड़क उद्गम मतलब पीड़िकाओं की उत्पत्ति, फिर जानु जंघा उरु कटी अंश हस्तपात की संधियों में निस्तोद तथा स्फुरण, ये स्फुटन लिखा है स्फुरण होगा ये स्फुरण ठीक है। फिर उसके बाद भेदो गुरुत्वम सुप्तिर एवचा मतलब कि चीरने के समान पीड़ा, जैसे लगता कोई चीज चीर रही हो ठीक। गुरुता मतलब भारीपन, सुप्तता मतलब शून्यता एवं खुजली होना, कंडू। फिर उसके बाद संधिशु रुक भुत्वा नश्यति च अस्र का मतलब कि संधियों में वेदना उत्पन्न होकर बार बार नष्ट हो जाती है। वैवर्ण्यम मतलब शरीर में विवर्णता, वैवर्ण्यम मंडलोत्पत्ति मतलब कि मंडल की उत्पत्ति मतलब कि चकत्तों का उत्पन्न होना, ये जो है ये सब वात रक्त के पूर्व रूप कहे गए हैं ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं आचार्य सुश्रुत ने भी निदान स्थान के पहले अध्याय में वात रक्त का वर्णन किया है, इसमें उन्होंने भी संप्राप्ति बताई है। तो श्लोक देखते हैं पहले उनका कि प्राग रूपो शिथिलो सिन्नो शीतलो सविपर्ययो वैवर्ण तोद सुप्तगत्व गुरुत्व ओष समन्वितो मतलब कि प्राग रूपो शिथिलो मतलब पूर्व रूप में दोनों पांव शिथिल, स्विन्नो सोधयुक्त शीतल और कभी कभी विपर्य युक्त होते हैं, तथा उनमें वैवर्ण विवर्णता तोद सोई चुभने से पीड़ा, सुप्तता गुरुत्व भारीपन और ओष मतलब दाह होता है ठीक है। तो ये हो गया आचार्य सुश्रुत के अनुसार वातरक्त के पूर्व रूप। फिर देखते हैं वातरक्त के लक्षण। तो लक्षण में हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण में ये है कि वातरक्त रोग जो है यह रोग संधियों में विशेषता छोटी संधियों से प्रारंभ होता है, मतलब कि जो इसके लक्षण है वो सर्वप्रथम छोटी संधियों में देखे जाएंगे।
हाथ पैर के अंगुलियों में या अंगूठे में तीव्र वेदना के साथ रोग प्रारंभ होता है। मतलब कि हाथ पैर की जो छोटी संधियां हैं, मतलब उंगलियों में के मध्य में जो संधियां हैं, अंगूठे में जो संधियां हैं, वहां पे तीव्र वेदना पेन होगा और उसी के साथ ये रोग प्रारंभ होगा। यह वेदना प्रायः रात्रि के समय प्रारंभ होती है और ये जो पेन होता है ये रात में होता है और रोगी को निद्रा नहीं आती है और ये इतना ज़्यादा होता है कि रोगी सो नहीं पाता है। ज्वर होता है, मतलब फीवर आता है उसको। तृष्णा, उसको अधिक प्यास लगी होती है। शरीर में कंपन होता है और संधियों में लालिमा व शोथ उत्पन्न हो जाता है। तो ये हो गया वातरक्त के समान लक्षण। फिर उसके बाद देखते हैं वातरक्त के लक्षण के अंतर्गत जो विशिष्ट लक्षण है, मतलब कि जो भेदानुसार लक्षण है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं उत्तान वातरक्त के लक्षण। तो उत्तान वातरक्त के लक्षण में देखते हैं, तो उत्तान वातरक्त हम लोगों ने संप्राप्ति में देखा था कि जो उत्तान वातरक्त है ये त्वग मांस आश्रय में होता है, मतलब कि यह जो है यह त्वचा और मांस में आश्रित रहते हैं। तो इसमें जो लक्षण है देखते हैं क्या है, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। कंडूर दाह रुग आयाम तोद स्फुरण कुंचते अन्विता श्यावरक्ता त्वग बाह्य ताम्र तथेष्यते। तो ये जो लाइन है कंडूर दाह रुग आयाम तोद स्फुरण कुंचन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप उत्तान वातरक्त के लक्षण लिख रहे हैं तो ये चार चीज़ें जरूर याद रखें कि कंडूर दाह रुग आयाम, मतलब पीड़ा और आयाम, तोद स्फुरण और कुंचन, तो ये लाइन जरूर याद रखें। ठीक है, और क्या है, त्वचा का श्याव या ताम्रवर्ण का हो जाना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तान वातरक्त के लक्षण में। अगर देखते हैं श्लोक लिख देंगे तो आपको जरूर पूरे नंबर मिलेंगे। तो कंडू खुजली होती है, दाह पीड़ा, रोग को पीड़ा कहते हैं, आयाम मतलब खिंचावट होती है, तोद मतलब सुई चुभने से पीड़ा, स्फुरण मतलब कि स्फुरण का मतलब फरकाहट होती है, कुंचन मतलब अंगों में टेढ़ापन हो जाता है, और त्वचा का श्याव या ताम्रवर्ण का हो जाना। ठीक है, तो ये वातरक्त के लक्षण हैं। फिर उसके बाद देखते हैं गंभीर वातरक्त के लक्षण। तो इसमें श्लोक कि गंभीरे गंभीरे श्वेतु स्तब्ध कठिनो अंतर भ्रशार्तिमान श्यावस्ताम्र अथवा दाहतोहद स्फुरण पाकवान। मतलब कि गंभीरे शब्द, मतलब कि गंभीर वातरक्त के लक्षण के अंतर्गत श्यवथु मतलब शोथ, कठिन शोथ, स्तब्धा स्तब्धता। ठीक है, शोथ के भीतरी भाग में अधिक पीड़ा होना, मतलब कठिनो अंतर भ्रशार्तिमान, शोथ के भीतरी भाग में पीड़ा होती है। ठीक, श्याव ताम्रो अथवा त्वचा श्याव या ताम्रवर्ण की हो जाती है। दाह तोद स्फुरण पाकवान, संधियों में दाह तोद स्फुरण तथा पाक से युक्त हो जाती हैं। ठीक है, तो ये थे गंभीर वातरक्त के लक्षण। ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद कर सकते हैं तो ठीक है, वरना ये लक्षण तो याद ही कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं उभय आश्रित वातरक्त के लक्षण। तो उभय आश्रित वातरक्त के लक्षण में देखते हैं, श्लोक देखते हैं पहले कि रुग्विदाह आविंतो भीष्णम वायु संध्यस्थि मज्जसु छिंदन्निवम छिंदन्निवम चेंतंतर्व क्रिया कुर्वन्तश्च वेगवान करोति खुंजम पंगुवा शरीरे सर्वतश्चरन सर्वैलिंगैश्च विगेयम वात अस्रक उभयश्राम। इसमें ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब पहले देख लेते हैं कि संधि अस्थि मज्जा स्थित वायु अंगों को टेढ़ा करके कभी कभी खंज या पंगु उत्पन्न कर देता है। रुजा दाह से युक्त वेग वाली वायु संधि अस्थि और मज्जा में बार बार काटने की तरह पीड़ा करती हुई अथवा संधि आदि के भीतर से टेढ़ा करती हुई गमन करती है। संपूर्ण शरीर में गमन करती हुई वेग वाली वायु खंज मतलब कि लंगड़ापन अथवा पंगु रोग को उत्पन्न कर देती है। सभी उत्तान और गंभीर वातरक्त लक्षण यदि एक रोगी में मिल जाए तो उसको उत्तान और गंभीर मिश्रित वातरक्त समझना चाहिए। ठीक है,
मतलब उत्तान वात्रक कालांतर में गंभीर स्वरूप धारण कर गंभीर वात्रक भी बन जाता है, जिससे उभय वात्रक के लक्षण उत्पन्न होते हैं। मतलब कि जैसे उत्तान, पहले उत्तान वात्रक हुआ, फिर उसकी चिकित्सा ना की गई तो गंभीर स्वरूप लेके गंभीर वात्रक बन जाता है, और फिर भी उसकी चिकित्सा ना की जाए तो फिर वो उभयात्मक वातरक्त बन जाता है। तो इसमें जो लाइन इम्पॉर्टेंट है वो देखते हैं, वायु संधि अस्थि मज्जसु छिन्ननिवम। मतलब कि वायु संधियों और अस्थियों को टेढ़ा करके छिन्द बार बार काटने की तरह पीड़ा उत्पन्न करती है। तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं, तो दोषानुसार वातरक्त के लक्षण में देखते हैं। सबसे पहले वातज वातरक्त के लक्षण, तो श्लोक है कि विशेषता सिरायाम शूल स्फुरण तोदनम सोथस्य कर्ण्यम रोक्षम चा श्यावता वृद्धि हानया धमन्यंगुल्य संधिनाम संकोच अंग्रहो अतिरुकः कुंचन स्तंभने शीत प्रद्वेश अनिले अधिक है। वातरक्त में जब वायु की अधिकता होती है तो विशेषकर सिराओं में आया मतलब खिंचाव उत्पन्न होता है, शूल होता है, स्फुरण मतलब फरकाहट होती है, तोद फिर से होता है, मतलब तोद का मतलब सुई चुभने से पीड़ा, शोथ का रंग काला हो जाता है, शोथ कृष्ण या श्यावर्ण का, एवं रुक्षता हो तो रुक्षता बढ़ी हुई होती है। वातक के लक्षण घटते और बढ़ते रहते हैं, मतलब कभी घटेगा वातरक्त लक्षण दिखाई देंगे, कभी बढ़े हुए दिखाई देंगे। धमनी अंगुली और संधियों में संकोच हो सकता है, ठीक, या हो जाता है। अंगों में जकड़ाहट तथा वेदना अधिक होती है, आकुंचन व स्तंभन होता है, और इसमें जो शीतल आहार विहार से रोगी जो है वो द्वेष करता है, अथवा शीतल वस्तु उसके लिए हानिकारक होती है। तो ये वातज वातरक्त के लक्षण हो गए। फिर देखते हैं पित्तज वातरक्त के लक्षण, तो विदाहो वेदना मूर्छा स्वेदस्तृष्णा मदोभ्रम राग पाकस्य भेदस्य शोषश्चुक्तानि पैत्तिके। तो ये आचार्य चरक ने श्लोक दिया है, उन्होंने क्या कहा है कि पित्तज वातरक्त में शरीर में विदाह वेदना मूर्छा स्वेदाधिक होना मतलब पसीना अधिक आता है, तृष्णा अधिक होना मतलब प्यास अधिक लगती है, मद होना व चक्कर आना, रोगाकांत्र प्रदेश में लालिमा पाक ताप भेदन व पीड़ा होती है, मतलब चीरने के समान होती है, ऐसा लगता है कोई वस्तु चीर रही है। अंगों में शोष व ऊष्मा अधिक होता है, ज्वर होता है। तो और इसी का जो सपोर्ट करते हुए आचार्य वाग्भट्ट हैं, उन्होंने भी श्लोक दिया है कि पित्ते विदा सम्मोह स्वेदो मूर्छा मद सत्रटा स्पर्श क्षमत्वम ख्या गया शोफ पाको भ्रशोष्मता। तो ये हो गए पित्तज वातरक्त लक्षण। फिर इसके बाद देखते हैं कफज वातरक्त के, तो यहाँ पे श्लोक है कि स्तैमित्यम गौरव स्नेहम सुप्तिर मंद चारुके कफे चारुक कफे स्तैमित्यम गौरवम स्नेहम सुप्तिर मंद चारुक कफे। मतलब कि स्तैमित्य होता है, तैमित्य का मतलब वो होता है कि गीले कपड़े से शरीर को ढक दिया गया है, ऐसा अनुभव होता है, शरीर में भारीपन, स्निग्धता मतलब चिकनापन, शून्यता और मंद वेदना होती है, कंडू होता है। तो ये लक्षण पाए जाते हैं। आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है कफज वातरक्त के लक्षण में देखते हैं, कंडू मंतो श्वेत शीतो सशोफो पीनस्तब्धो श्लेष्म दुस्ते तू रखते। मतलब कि कंडू मंतो मतलब दोनों पाँव में खुजली, श्वेत शीतो श्वेत और ठंडे, ठीक, सशोफो शोफ शोथ युक्त, पीन स्तब्ध हो मतलब मोटे तथा स्तब्ध मतलब कड़े और कठोर दोनों, ठीक, श्लेष्म दुष्टे तू रुके, मतलब कि जो श्लेष्मा की दुष्टि के कारण ये जो लक्षण है ये दिखाई पड़ते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं रक्तज वात रक्त के लक्षण। तो फिर देखते हैं रक्तज वात रक्त के लक्षण। श्लोक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं। मेनली जो इसके लक्षण हैं वो थ्योरी में आप देख सकते हैं। तो क्या है, कंडू व क्लेद युक्त शोथ होता है, वेदना युक्त संधि शोथ होता है, तोद व चिमचिमायमान चुनचुनाहट युक्त शोथ होता है, स्निग्ध व रूचि द्रव्यों से रोग की वृद्धि होती है।
और क्या बताया गया है कि जो त्वचा है वो ताम्रमण की तरह लाल हो जाती है और शोथयुत अत्यधिक वेदना होती है। तो ये हो गए रक्तज वातरक्त के लक्षण। तो ये हो गए जो हमारे वातरक्त, तो ये हो गए वातरक्त के लक्षण। इसमें दोष अनुसार लक्षण हैं और स्थान अनुसार लक्षण दिए गए हैं, ठीक है। तो स्थानानुसार लक्षणों में हमने देखा उभयाश्रित वातरक्त लक्षण, सॉरी स्थानानुसार वातरक्त में हम लोगों ने देखा लक्षणों में उत्तान वातरक्त के लक्षण, गंभीर वातरक्त लक्षण और उभयाश्रित वातरक्त के लक्षण। तो ये तीनों लक्षण आप याद कर लीजिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोगों ने दोषानुसार देखा, जो कि फिर देखते हैं द्वंद्वज व सन्निपातज वातरक्त के लक्षण। तो हेतु लक्षण संसर्ग द्वया दंद्वया त्रिदोषजम्, मतलब कि जब वातरक्त में दो दोषों की प्रधानता रहती है तब इन दोनों दोषों में मिश्रित लक्षण एवं सन्निपातज वातरक्त में त्रिदोषों के मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं, मतलब कि जो दोष हैं उनके मिले जुले लक्षण मिलेंगे। तो ये हो गए दोषानुसार लक्षण। तो दोषानुसार कितने होते हैं? वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, द्वंद्वज और सन्निपातज। और स्थान अनुसार वातरक्त के लक्षण जो हैं वो हैं उत्तान वातरक्त के लक्षण, गंभीर वातरक्त के लक्षण और उभयाश्रित वातरक्त के लक्षण। फिर इसके बाद देखते हैं, तो आई होप आपको ये लक्षण समझ में आए होंगे। फिर इसके बाद देखते हैं वातरक्त की साध्यता असाध्यता। तो यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है कि एक दोषानुगम साध्यम नवम याप्यम द्विदोषजम त्रिदोषम असाध्यम स्याद्यस्य च स्युपद्रवा, ठीक है। आचार्य ने एक और श्लोक दिया हुआ है कि अकृत शस्त्रोपद्रवम याप्यम साध्यम स्यान्निरुपद्रवम। तो ऊपर वाला जो श्लोक है, पहला श्लोक है, क्या कह रहा है देखते हैं कि एक दोषानुगम साध्यम नवम, मतलब एक दोषज व नवीन मात्रक साध्य होते हैं। याप्यम द्विदोषजम, मतलब द्विदोष मतलब कि जो द्वंद्वज वात्रक थे वे याप्य होते हैं। त्रिदोषजम असाध्यम, मतलब कि त्रिदोष एवं सम त्रिदोष जो होते हैं वो असाध्य होते हैं। साध्य से चा स्युर उपद्रव, मतलब कि जिस वातरक्त में उपद्रव का अभाव हो वह साध्य है और जिस वातरक्त में संपूर्ण उपद्रव हो वो याप्य हैं। ये लिखा हुआ है कि असृत शस्त्रोपद्रवम याप्यम साध्यम सयानी उपद्रवम, ठीक है। तो जिस वातरक्त में संपूर्ण उपद्रव ना हो वह याप्य है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं असाध्य वातरक्त के लक्षण, ठीक है। तो ये श्लोक दिए बाबा आप लोग चाहे पढ़ सकते हैं, थ्योरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो असाध्य वातरक्त के लक्षण में व्रण फूटकर पूय स्त्राव होता है, आक्रांत प्रदेश में विवर्णता आती है, जकड़ाहट एवं अर्पुद हो गया हो वह असाध्य वातरक्त है, इंद्रियों में ताप उत्पन्न हो गया हो उसे असाध्य कहते हैं, जो वातरक्त अंगुष्ठ मूल से प्रारंभ होकर जानु संधि तक पहुंच गया हो वह वातरक्त असाध्य है, जिसमें त्वचा स्फुटित हो गई हो, जिसमें स्त्राव अधिक हो, जिस वातरक्त में स्त्राव अत्यधिक होता हो और जिसमें मांस का क्षय हो गया हो उस वातरक्त को भी असाध्य माना है, और जो एक वर्ष पुराना हो गया हो वह वातरक्त असाध्य है। तो ये हैं असाध्य वातरक्त के लक्षण। फिर इसके बाद देखते हैं वातरक्त की असाध्यता का कारण। तो ये श्लोक है कि रक्त मार्ग निहंत्याशु शाखा संधिशु मारुता निविश्यान्योन्य माधार्य वेदना भी हरे दसु, मतलब वायु शाखा व संधियों में प्रवेश कर रक्त मार्ग को दुष्कर देती है और बढ़ा हुआ रक्त भी वायु मार्गों को रोक देता है। तो इस प्रकार रक्त के मार्ग को वायु और वायु के मार्ग को रक्त रोक देता है और इससे वेदना उत्पन्न होती है और उस वेदना से रोगी को असाध्य लक्षण उत्पन्न होते हैं, मतलब कि जो रक्त के मार्ग को वायु और वायु के मार्ग को रक्त रोक देता है, ठीक है। तो जब दोनों ही एक दूसरे के मार्ग को रोक देते हैं तो इससे जो है वो असाध्य के लक्षण उत्पन्न होते हैं और वातरक्त असाध्य हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं वातरक्त के उपद्रव। तो ये श्लोक है कि अस्वप्न अरोचक श्वास मांस कोथ श्रीग्रह मूर्छाय
मद रुक तृष्णा, ज्वर मोह प्रवेपका, हिक्का पंगुल विसर्प पाक तोद भ्रम क्लमा, अंगुली वक्रता स्फोटा, दाह मर्म ग्रह अर्बुदा। तो क्या कहते हैं कि अनिद्रा, आरोचक, श्वास, मांसकोथ, शिरोग्रह, मूर्छा, मद, रुक तृष्णा, ज्वर व मोह, ठीक है, हिक्का पांगुल्य विसर्प भ्रम व क्लम, अंगुली वक्रता मतलब अंगुलियों का टेढ़ा होना, दाह मर्म स्थानों में जकड़ाहट, अर्बुद रोग का होना। अगर इन उपद्रव के साथ जो वातरक्त है वो असाध्य होता है, और ये जो हैं ये उपद्रव वातरक्त में होते हैं, और इन सब उपद्रवों में अगर मोह, केवल मोह भी प्रधान रूप में है तो भी वातरक्त को असाध्य माना जाता है, ठीक है। तो ये मोह इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं वातरक्त की चिकित्सा। तो चिकित्सा में सर्वप्रथम देखते हैं चिकित्सा सूत्र। तो किसी भी रोग का जो चिकित्सा सूत्र है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वातरक्त का चिकित्सा सूत्र देखते हैं, तत्र मुंजवेद अस्त्र का, श्रृंग जलौ का, स्वच अलाभुभि, प्रच्छनैर व सिरार्भिव, यथा दोषाम यथा बलम। मतलब कि वातरक्त में श्रृंग जलौ का, सुचि, अलाबु, प्रच्छान व शिरावेद द्वारा कुपित दोषों के अनुसार या रोगी रोग बल के अनुसार रक्तमोक्षण करना चाहिए। तो इसमें जो है जो श्रृंग है वो वातज रोगों में यूज करते हैं, वातज वातरक्त में जिसमें वात दोष की अधिकता हो, जलौका को पित्तज वातरक्त जिसमें पित्त दोष की अधिकता हो, और अलाबु को कफज वातरक्त मतलब कि जिसमें कफ दोष की अधिकता हो उसमें यूज करते हैं। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, श्रृंग को वातज में, जलौका को पित्तज में, और अलाबु को कफज वातरक्त में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा श्लोक देखते हैं, व्रेच स्नेह युत्वा आदौ स्नेह युक्त विरेचने, रुक्षैर वा मृदुभि, शस्तम अस्रक दिष्ट कर्मचा, सेका अभ्यंग प्रदेह अन्ना स्नेहा, प्रायो अविदाहीना जात रक्ते प्रशस्यन्ते। वातुलबल वातरक्त में रक्तमोक्षण करना निषिद्ध है। मतलब कि जिस वातज वातरक्त में जो रक्तमोक्षण है वो उसको निषेध किया गया है। इसमें रक्तमोक्षण करने से पहले तो रक्तमोक्षण के पूर्व स्नेहन, मृदु विरेचन तथा वस्त्र द्वारा समुचित पूर्व कर्म करना चाहिए। अभ्यंग सेक प्रदेह लेप अन्न स्नेह इत्यादि द्वारा उपर्युक्त बहिपरमार्जन भी करना चाहिए। तो इसमें मतलब बेसिकली ये बताया गया है कि वातज जो वातरक्त है उसमें रक्तमोक्षण का निषेध बताया गया है, और उस निषेध की अवस्था में आप ये सब कर्म कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं उत्तान वातरक चिकित्सा सूत्र। तो उत्तान वातरक चिकित्सा सूत्र में क्या लिखा है कि उत्तान लेपन अभ्यंग परिषेक अवगाहने, उत्तान वातरक्त में विभिन्न प्रकार के लेप अभ्यंग सेचन तथा अवगाहन का प्रयोग करना चाहिए। गंभीर वातरक्त चिकित्सा सूत्र, विरेक अस्थापन स्नेह पान गंभीरम आचरेत। मतलब गंभीर वातरक्त में विरेचन, अस्थापन वस्ति तथा स्नेहपान कराना चाहिए। वातज वातरक्त में क्या है कि सर्पिस्त तैल वसा मज्जा पान अभ्यंजन वस्ति भी, सुखोष्ण रूपनाहश्च वात उत्तरम उपचारेत। मतलब वात उल्बल वातरक्त में घृतपान, वातज वातरक्त में तैल मर्दन तैल पान, बस्ती वसा मज्जा का पान, अभ्यंग एवं इन्हीं स्नेहों से युक्त अनुवासन वस्ती तथा गर्म उपनाह द्वारा चिकित्सा करें। तो अगर वातज वातरक्त है तो उसमें घृतपान, तैल मर्दन, तैल पान, वस्ती देते हैं, वसा मज्जा या पान का अभ्यंग या अभ्यंग इन्हीं स्नेहों से युक्त अनुवासन वस्ती तथा गर्म उपनाह द्वारा चिकित्सा की जाती है। फिर इसके बाद देखते हैं पित्तज एवं रक्तज वातरक्त का चिकित्सा सूत्र। तो विरेचन घृत क्षीर पाने से के स्वस्ति भी, शीतर निर्वापण अपि रक्त पित्त उत्तर जायते। मतलब पित्तज वातरक्त में, पित्तज और
रक्तज वात रक्त में विरेचन, घृतपान, क्षीरपान, परिषेक, अनुवासन बष्टि, शीत व दाह शामक प्रलेप द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। कफज वात रक्त का चिकित्सा सूत्र देखते हैं। वमनम मृदु नात्यर्थम स्नेह सेको विलंगनम कोष्ण आलेपश्च शस्यन्ते वात रक्ते कफोत्तरे। मतलब कफज वात रक्त में मृदु वमन, स्नेह, परिषेक, लंघन, उष्ण लेप द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। फिर इसके बाद देखते हैं मेद आवृत वात रक्त का चिकित्सा सूत्र। ये मेदज नहीं, ये मेद आवृत है। तो मेद आवृत क्या होता है? जब मेद या कफ के बढ़ जाने से वायु का मार्ग रुक जाता है, तो ऐसी दशा में सर्वप्रथम स्नेहन व ब्रंघन चिकित्सा ना नहीं करनी चाहिए। इसमें वेद व कफ नाशक व्यायाम, शोधन, अरिष्टपान, गोमूत्र विरेचन, तक्र सेवन एवं हरण का प्रयोग करना। तो ये हो गया वात रक्त की चिकित्सा के अंतर्गत जो चिकित्सा सूत्र हैं वो। तो इसमें हम लोगों ने उत्तान वात रक्त चिकित्सा सूत्र, गंभीर वात रक्त चिकित्सा सूत्र, वातज वात रक्त चिकित्सा सूत्र, पित्त व रक्त प्रधान वात रक्त चिकित्सा सूत्र, कफज वात रक्त चिकित्सा सूत्र और मेद आवृत वात चिकित्सा सूत्र के बारे में। फिर इसके बाद देखते हैं वात रक्त चिकित्सा उपक्रम। जो भी जितने भी मतलब वात रक्त के चिकित्सा सूत्र हैं और जो भी चिकित्सा हेतु जो भी क्रम बताए गए हैं, तो उनको अगर तालिकाबद्ध करना है, ठीक है, कोई एग्जाम में आ जाता है कि वात रक्त का चिकित्सा लिखिए, ठीक है, तो अगर 5 नंबर में आ जाता है, ठीक है, तो आप ये चार्ट बना सकते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे चिकित्सा उपक्रम के अंतर्गत दो प्रकार से चिकित्सा करेंगे, अंतः परिमार्जन और बहि परिमार्जन। तो बहि परिमार्जन में हम लोग अब जो शरीर के बाहर से जो चिकित्सा की जाती है वो करेंगे, जैसे अवगाहन हो गया, लेप हो गया, सेक हो गया, उपनाह और अभ्यंग हो गया, ठीक। अंतः परिमार्जन जिसमें शरीर के अंदर से चिकित्सा होती है, इसमें चिकित्सा दो प्रकार की होती है, शोधन और शमन। शमन चिकित्सा के अंतर्गत शमन द्रव्य हम लोग देते हैं, ठीक है, जो औषधियाँ होती हैं, ठीक, और पथ्यपथ चिकित्सा करते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। शमन चिकित्सा में दोष प्रत्यनिक, ठीक है, व्याधि प्रत्यनिक और दोष व्याधि दोनों को मिला के उभय प्रत्यनिक चिकित्सा की जाती है। शोधन में रक्तमोक्षण, वमन, मृदु विरेचन देते हैं और वस्ती, वस्ती में हम लोग अस्थापन और अनुवासन वस्ती दे सकते हैं, ठीक। रक्तमोक्षण में हम लोग चिकित्सा सूत्र में देख ही चुके हैं, श्रृंग, जलौका, अलाबू, प्रच्छान और सिरावेद। तो ये जो चार्ट है ये इम्पॉर्टेंट चार्ट है, अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आपको जो वात रक्त है उसकी चिकित्सा लिखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, और कहीं 5 नंबर में अगर आता है तो आप ये चार्ट भी उतार सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं वात रक्त की शोधन चिकित्सा। तो शोधन चिकित्सा में स्नेहन, वमन, विरेचन, वक्षस्थि और रक्तमोक्षण करा सकते हैं। स्नेहन में घृत, तेल, वसा या मज्जा द्वारा स्नेहपान या स्नेहन दें। वमन के लिए मदन फल के द्वारा मृदु वमन करा सकते हैं। विरेचन में एरंड तेल व क्षीर से विरेचन करा सकते हैं। वस्ती में हम लोग अस्थापन या अनुवासन वस्ती दे सकते हैं, जिसमें घृत मिश्रित क्षीर वस्ती देनी चाहिए। रक्तमोक्षण के लिए उत्तान वात रक्त में श्रृंग, जलौका, अलाबू द्वारा और गंभीर वात रक्त में सिरावेद द्वारा रक्तमोक्षण कराना चाहिए। तो ये हो गई शोधन चिकित्सा। फिर इसके बाद देखते हैं शमन चिकित्सा। तो शमन चिकित्सा में ये देखिए औषधियाँ हैं और इनकी मात्रा और इनके जो कह सकते हैं कि घटक द्रव्य हैं इनके बारे में है, ठीक है। तो शमन चिकित्सा में सबसे पहले देखते हैं रस या भस्म, ठीक है। तो रस या भस्म में देखिए सबसे पहले वात रक्तांतक भस्म, ठीक है, विशेश्वर रस, पित्तांतक लौह, ताल भस्म, महालातेश्वर रस, रसमाणिक और शिलाजतु, ठीक है। तो इनकी जो मात्रा है, ये रस या भस्म की जो सामान्य मात्रा है वो 125 से 250 मिलीग्राम होती है, और इसका जो अनुपान है इन औषधियों का वह मधु के साथ दी जाती है, ठीक। उसके बाद देखते हैं वटी और गुग्गुल, ठीक है। तो वटी में आरोग्यवर्धनी वटी, गुग्गुल में कैशोर गुग्गुल, अमृता गुग्गुल, पुनर्नवा गुग्गुल, ठीक है, रस भृगु गुग्गुल, रसाभ्र गुग्गुल। इसकी जो सामान्य मात्रा है वो 250 से 500 मिलीग्राम है,
और इसका जो अनुपान है वह गुरुचिक्वात उष्ण जल। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं चूर्ण। तो चूर्ण में मंजिष्ठ चूर्ण हो गया, हरितकी चूर्ण हो गया, सुरांजन चूर्ण हो गया, निम्बादी चूर्ण हो गया, ठीक है, मुंडिका चूर्ण हो गया, चोप चिन्यादि चूर्ण हो गया। चूर्ण की जो सामान्य मात्रा है वो 3 से 6 ग्राम होती है। ठीक है, आशावरिष्ठ में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं? आशावरिष्ठ में शरीवाद्याश, मंजिष्ठारिष्ट, अमृतारिष्ट, ठीक, रक्त शोधकारिष्ट। ठीक, आशावरिष्ठ की जो सामान्य मात्रा है वो 20 से 40 मिलीग्राम है, ml है। ठीक है, कषाय या क्वाथ में जो सामान्य मात्रा कषाय या क्वाथ होती है वो 20 से 30 ml होती है। ठीक, इसमें हम लोग दशमूल क्वाथ, लघु मंजिष्ठादि क्वाथ, बृहत मंजिष्ठादि क्वाथ, नवकार्षिक कषाय, अमृतादि क्वाथ, वसादि क्वाथ, ये सब दे सकते हैं। ठीक, घृत में जो सामान्य मात्रा है घृत की वह 10 से 20 ml होती है। अनुपान में हम लोग दुग्ध के साथ दे सकते हैं। ठीक है, बलादि घृत, बलाघृत, परुषक घृत, जीवनी घृत, गुरुचि घृत और शतावरी घृत दे सकते हैं। ठीक है, तैल में अगर देखा जाए तो तैल का प्रयोग पान, अभ्यंग, बस्ती और नस अनुसार जो भी मात्रा, नस अनुसार मात्रा जो है इसकी डिफरेंट होती है। ठीक है, और अनुपान भी इसका यूज़ के अनुसार डिफरेंट होता है। तो तैल कौन से हैं देखते हैं, मधुपर्ण्यादि तैल, सुकुमार तैल, अमृताद्य तैल, खुड़क पंचक तैल, पिंड तैल, गुरुचि तैल, महापिंड तैल। ठीक है, पिंड तैल इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में इसके जो घटक हैं वो पूछ लिए जाते हैं। एकल औषधि प्रयोग देखा जाए तो इसमें अमृता हो गया, सरीवा हो गया, सुरंजान हो गया, गुगलू हो गया, भल्ला तक, चोपचीनी और बला। ठीक है, ये सब एकल औषधि हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं चिकित्सा पत्र के। ठीक है, तो वो देख लीजिए, जैसे कैशोर गुगुल 2 वटी की 3 मात्रा दे सकते हैं, अमृता गुगुल की 2 वटी 3 मात्रा दे सकते हैं। भोजन के पश्चात मंजिष्ठारिष्ट 20 ml, संभाग जल में 2 बार दिन में 2 बार मात्रा। अभ्यंगार्थ के लिए पिंड तैल स्थानिक प्रयोगार्थ दे सकते हैं। शतावरी घृत 20 ml दिन में 2 बार दूध के साथ और पथ्य का सेवन। ठीक है, और ये जो दूसरा है वो भी देख लीजिए कि रसमाणिक्य 125 mg दे दिया, गुरुचिसत्व 500 mg, आरोग्यवर्धनी वटी 250 mg, चोपचिन्यादि चूर्ण 2 ग्राम, इसको मधु से दिन में 2 बार दे सकते हैं प्रातः सायं। ठीक, निदान परिवर्जन, संशोधन चिकित्सा, बहिपरिमार्जन चिकित्सा और संसमन चिकित्सा। अब इसके बाद देखते हैं पथ्य अपथ्य। तो पथ्य जो आहार है उसमें हम लोग पुराणयव, गोधूम, शाली चावल, विष्कर, प्रतुद्र मांस रस, अरहर, बथुआ, चना, पेठा, मूंग, घृत, मसूर, परवल, मोठ, मकोय, शतावर आदि दे सकते हैं। अपथ्य आहार के अंतर्गत कटु, उष्ण, गुरु पदार्थ, ठीक है, नमक, मध्य, अम्ल पदार्थ, पिंडयाग, कुल्थी, कांजी, मटर, अभिष्यंदी, छार, दही, मूली, ये सब नहीं देनी चाहिए। विहार में अभ्यंग परिसेचन आदि करना चाहिए। दिवाशयन, आतपशयन, व्यायाम, मैथुन आदि ये सब क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पथ्यापथ्य। ठीक है, तो गाइज ये था वातरक्त। ठीक है, इसमें हम लोगों ने इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके जो नोट्स हैं वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे पेज है, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।